जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सायन कुलीवाड़ा में शिवसेना औजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र सरचिटनीस इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती गरीब जरूरतमंद विधवा और दिव्यांग लोगों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। उन्हें खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और उनकी हर तरह की मदद पूरी कर रहे हैं। इसी तरह रविवार को भी इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती ने हजारों जरूरतमंदों को राशन बांटा। अब तक वह लगभग 2.5 लाख लोगों को मास्क बांट चुके हैं, दवाई का छिड़काव कर चुके हैं और हजारों लोगों को खाना खिला चुके हैं। उनकी जिद है कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक उनकी यह सेवा चलती ही रहेगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गरीब लोगों तक आप पहुंच करके उनकी जो खाने की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी राशन की प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कर। ये शिवसेना औजड़ वाहतुक सेना की तरफ से जो एक छोटी सेवा हम कर रहे हैं और ये 23 मार्च से लेकर अब तक हम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, आगे भी हम ऐसा लोगों के लिए हेल्प करेंगे। और मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग एक समाज सेवा कर रहे हैं और इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों की मदद कर सक रहे हैं। तो ये राशन हम लोग 23 मार्च से खाना पीना मास्क सैनिटाइजर और एक कच्चा राशन बांट रहे हैं। सर, जैसे मैंने पहले भी देखा, आपने मास्क भी बहुत सारे बांटे हैं, खुद बहुत जगह खुद जा कर के आपने सैनिटाइजेशन वगैरह भी किए हैं, अभी तक कितने मास्क बांट चुके होंगे, क्या कहना? अब तक मैंने 2 लाख मास्क बांट दिए हैं। हम ये कॉटन का कपड़ा खरीद के और उसको सिलवाई करवा के बनवा के सिला के तो हम बांट रहे हैं। जो मार्केट में मिल रहे हो मास्क इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो मैंने एक बोलेंगे तो 10,000 मीटर के ऊपर कपड़ा लिया है परेल मार्केट से, उसको फिर बनवाने के लिए टेलर ढूंढा है, टेलर द्वारा बनाए गए 2 लाख मास्क हमने बांटे हैं। वैसे ही सैनिटाइजर की बोतलें मैंने ऑफिस में मंगाई थी 500, अब तक वो बांट दी है। और जहाँ जहाँ मंदिर गुरुद्वारे पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल जहाँ पर भी स्टैंड लगेगा, देखिए अभी ऐसा स्टैंड है, वो स्टैंड हम बांट रहे हैं, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, गुरुद्वारे मंदिर हो, तो ये सैनिटाइजर के लिए स्टैंड है, हम वो भी बांट रहे हैं सैनिटाइजर सेवा करके शिवसेना उधर वाहतुक सेना की तरफ से। वैसे अब तक मैं 1500 लोगों को राशन की किट बांट चुका हूँ, आगे अभी 5 जून को, 7 जून को, 14 जून को, ये तीनों तारीख पे 300 किट और बांटने वाला हूँ। तो जितनी सेवा शिवसेना उधर वाहतुक सेना और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, वैसे हमारे स्मार्ट खासदार राहुल शिवाले जी, वैसे हमारी महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष श्रीमती रीना खुराना जी और मेरी पूरी टीम इस साथ में लगी है, हम लोग एक साथ होकर पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से लोगों को जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके, ये महामारी कोरोना की तरफ से बीमारी की वजह से हम उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, आप यहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन किया जाए, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाते हैं? हमने देखिए यहाँ से लेकर नाके तक 120 राउंड बनाए हैं गोले 3-3 फुट के गैप में। हमने पहली शर्त ये रखी थी जब पब्लिक को कूपन बांटे थे कि सोशल डिस्टेंट होगा, सोशल डिस्टेंट का ध्यान रखा जाएगा, मास्क लगाया जाएगा, उसके बाद ही हम राशन देंगे। हमें जहाँ लगती है भीड़ ज़्यादा है हम वहाँ पे राशन एकदम बंद करते, तो कूपन बांटना बंद करते। बीच में यहाँ पे कुछ भीड़ हो गई थी पर उस द्वारा मैंने क्या किया, ऑनलाइन मेरे फ़ोन का नंबर स्क्रीन पर डिक्लेयर किया है, लोग घर पर बैठ के मुझे कॉल करेंगे, मैं उनका कॉल उठाऊँगा, बुक में एंट्री करूँगा, नाम नंबर सब, 4 दिन बाद उनको बुला के कूपन दूंगा, 2 दिन बाद राशन। ऐसे करते करते हमने 750 लोगों को ऑनलाइन कूपन राशन बांटा है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम चाहते किसी हालत में भी सोशल डिस्टेंस का लंदन ना हो, उसको तोड़ा ना जाए, सोशल डिस्टेंस होगा, लोग मास्क लगाएंगे तो ये कोरोना ख़त्म होगा। हम लोग ये राशन बांटने के चक्कर में भीड़ खड़ी करेंगे तो ये डबल ट्रिपल नुकसान है। अगर हम 50-100 लोगों को राशन दे रहे, घर पाल रहे हैं, तो उतनी बीमारी भी फैलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूं, आप कोई भी सेवा कीजिए पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, और खासकर लोगों को समझाइए सोशल डिस्टेंट वो ज़रूरी है। तो हमने वो चीज़ को रखते हुए ऑनलाइन राशन बांटा है क्योंकि लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना हो। कितनी आगे भी आपको राशन बांटने का कितना लक्ष्य रखें? देखिए मैंने तो हमेशा एक ही बात बोली है, जब तक पब्लिक यहाँ आएगी हम राशन बांटते रहेंगे। जो ज़रूरतमंद है, अभी इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं तो 3-4 बार ले गए हमारे लोगों ने, उस दिन बैठ के पूरी लिस्ट फाइनल की, हर घर से 2-2, 3-3 आदमी ले गए, 700 से 800 पैकेट एक्स्ट्रा गए हैं। तो चलो लोगों के मुंह पे खाना घर पे ही गया, ऐसे नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं जिनको नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। इस यही कोशिश की वजह से हम घड़ी घड़ी फिर बांट रहे हैं। तो अभी 7 जून, 5 जून, 14 जून, ये 3 टर्म में और राशन बटेगा मेरे यहाँ। तो मैं चाहता हूँ जिनको नहीं मिला वो लें, और उसके आगे भी अगर गरज पड़ी
अगर लोगों को नहीं मिला, लोग मेरे तक आएंगे, हमारे कार्यकर्ता तक आएंगे, तो उनके लिए हम इंतजाम करेंगे, उनको भी देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आप इनके साथ हैं, आप काफ़ी दिन से इनके साथ रह रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, इनकी काम की क्या है? जब से कोरोना का बीमारी जो चालू हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ, मार्च महीने से लेके शिवसेना और वाहतूक सेना जे इंद्रपाल जी महासचिव है, ये सतत कार्यरत है और काम करते जा रहे। सैनिटेटर रहने दो, हैंड ग्लोव्स रहने दो या मास्क रहने दो, इन्होंने अपना जिलों जानो दिन से काम करते रहे। कभी ऐसा नहीं सोचे कि ये आदमी अलग है, ये वो आदमी है, हर पार्टी के आदमी लोग को यहाँ पे मदद मिल रही है। और ये एक पावन भूमि है हमारी, कोलीवाड़ा जो है वाहेगुरु की पावन भूमि है, और इस पावन भूमि में एक ऐसा पावन जो गुरुद्वार वाहेगुरु ने भेजा है ये बंदे को, तो हम उनको सलाम करते हैं कि ये इनका जो कार्य है बहुत बेहतरीन कार्य है। ऐसा ही नहीं कि ये बॉम्बे से स्लिप है, उपनगर में भी जाके जो पुलिस लोग है उनको मास्क सैनिटर ये सब बांटते आए हुए, अपनी जान की परवाह नहीं किए। मार्च से लेके तो अभी तक लॉकडाउन चालू है और इनका काम सतत चालू है, कभी रुका नहीं ये काम, और आगे भी करते रहेंगे। इसके बावजूद आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बंदा हूँ, नेवी में काम करता हूँ, आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कॉलोनी में इन्होंने सैनिटाइज मारने का काम किया, उसके बाद में हैंड ग्लोव्स देने के बाद काम किए, उसके बावजूद भी आज भी वो जो अनाज बांट रहे ऐसे भी बोले कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो गरीब बंदे रहेंगे जिनको पेमेंट नहीं आता है, जिनको काम कम पगार आता है, उनको भी उन्होंने बोला कि हमारे थ्रू आ जाने दो, उनको भी हम अनाज दे देंगे जैसे उनका घर चलते रहना है। ऐसे ही व्यक्ति आज हमको यहाँ पे मिले हैं, और हर टाइम जब भी अगर वो कुछ खाना बांटना हो या किसी गरीबों को खाना देना है, गुरुद्वारे मापत हर दिन उनका खाना चालू रहता है, डेली 100-150 आदमी लोग खाना खा के जाते इनके गुरुद्वार में, और कोई भूखा नहीं जाता है, हर एक आदमी इनको आशीर्वाद देके ही जाता है। और यह पार्टी देखते नहीं कि आगे चल के मैं कोई बड़ा नेता बनूंगा, ये मंत्र नहीं, वो क्या बोलते, मेरी सेवा ही सबसे मेरी बड़ी काम है, और इस सेवा से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, और मेरे को लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा है। इसके बावजूद मुझे, हाँ, इसके बावजूद मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे पार्टी कुछ लेवल से ऊपर करना है, यानी जो भी है भगवान ने, खुदा ने या अल्लाह ने उनको दिया है वो उसमें बेहतरीन है। और आज भी ये पूरा कोलीवाड़ा उनको सही दिल से चाहता है, ऐसा भी नहीं हर एक को कूपन सिस्टमेट से देना चाहते, ऐसा नहीं कि भीड़ बना दिए और भीड़ के जरिए नहीं, हर एक को सिस्टम में देखा है। मैं दर दिन इनके ऑफिस में आता था तो आदमी लोग आके बोलते थे कि हाँ भाई आ जाओ, इधर से चिट्ठी लेके जाओ और आपका आधार कार्ड लेके आओ, जिस दिन हम बांटेंगे उस दिन आप आ जाना। और देखा मैंने आज 31 तारीख को उन्होंने एक बोला था, उस हिसाब से उन्होंने पूरा सिस्टम में से यहाँ से लाइन लगा दिए, क्यू के इसमें खड़ा करके हर एक को डिस्टेंस रखे ले, हर एक को मास्क दिया है, हर एक को अनाज, उनके जो घरगुती जो सामान चाहिए उतना उन लोगों ने प्रोवाइड किए लाए। मैडम, आपको मैं पहला धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बेहतरीन जो हुआ है और उसका एक अच्छा आपने एक उनको मौका दिया है। हमारे माननीय शिवसेना हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने हमें ऊपर संस्कार दिया था कि 80% समाजकरण और 20% राजकरण, और वो नीति से हम माननीय श्री सत्ती जी उस राह पर चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है जो तकलीफ है वो सामने वाले गौर गरीब जनता है उनके लिए और क्या करना सेवा है वो उनके लिए हम सोच दिन रात सोचते हैं। तो माननीय बाला साहब ठाकरे ने हमको जो संस्कार दिया है उस राह पर हम चलने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी हो गई, बड़ी मेहरबानी हो गई है, तो ये ऐसा हमेशा करेंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारे ये को मदद करेंगे ना, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अभी हमारा कोई कमाने वाला घर पे है नहीं, मेरा आदमी एक्सीडेंट हुआ है घर पे बैठा है, मैं ऐसी एक पैर में हैंडीकैप हूँ, और राशन कार्ड है हमारा, तो रेशन कार्ड वाला फ्री जो बांटता है ना उसने भी एक दाना भी नहीं दिया हम लोग को, तो ये मिल रहा है तो ये बड़ी मेहरबानी हो गई है, वाहतूक सेना की मेहरबानी। ये यहाँ पे देखा जिस तरह से सत्ती जो है इंद्रपाल सिंह मारवाह जी जो है यहाँ पे राशन बांट करके गरीबों लोग गरीब लोगों को जिस तरह से उन्होंने सेवा किया है, ये सेवा का भावना जो है उनके अंदर हमेशा रहती है, और हमेशा जो है वो गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनका साफ कहना है कि जब तक लोग यहाँ पर आएंगे तब तक उन लोगों को वो राशन देते रहेंगे। कैमरामैन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।